इंदौर के ट्रैफिक जवान रंजीत सिंह को ट्रैफिक रूल फॉलो कराने वाले जवान के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन हाल ही में रंजीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह ऑटो चालक को ट्रैफिक रूल तोड़ने पर अपशब्द और पैर से मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो से नाराज होकर बड़ी संख्या में ऑटो चालकों ने इंदौर के ट्रैफिक थाने पर प्रदर्शन किया। इस वायरल वीडियो में रंजीत ऑटो चालक से पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है और इस वीडियो से नाराज होकर इंदौर के ऑटो यूनियन संघ के पदाधिकारी और ऑटो चालकों ने ट्रैफिक थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ट्रैफिक थाने पहुंचे ऑटो चालकों ने कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रैफिक जवान उनके साथ अभद्रता कर रहे हो। अक्सर हर चौराहे पर ट्रैफिक जवानों द्वारा ऑटो चालकों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। जवानों की बात सुनकर पुलिस के आला अफसरों ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। कल रणजीत सिंह ने जो ऑटो ड्राइवर को मारा है, लात घूसों से पीटा है, गालियां दिए, उस पर निलंबन की मांग को लेकर हम आए थे। हम इसलिए भी आए थे क्योंकि आने वाले समय में हमारे ऑटो चालक एक आम ड्राइवर नहीं पीटा जाए, वो सस्पेंड हो। और सीधी बात है, जितना वीडियो चले हैं, जितने वायरल हुआ है, उससे ज़्यादा तो आपके 12 कैमरे वहाँ लगे हैं। आपके पास तो स्वयं का प्रमाण है, हमने ज्ञापन नहीं दिया, हम बात करने आए थे। और फिर रणजीत सिंह ने जो झूठे आरोप लगाए कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर शराब पिया था, 6 बच्चे लेके बिठा के चल रहा था, साथ में उनने टक्कर मारी, इसके पाँव के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, तो हम ये आमने सामने बात करने आए थे। क्यों गायब हो गया? करता बात, आपने आरोप तो लगा दिए, क्यों? क्योंकि सिर्फ अपने को बचना था, पर इस शहर की जनता ने उनको कौन बनेगा करोड़पति तक पहुँचाया है, पर इंदौर के ऑटो वाले उनको सड़कपति बना के रहेंगे, रोडपति बने। 3 दिन का टाइम मांगा है कि 3 दिन में हम कार्रवाई कर देंगे, अगर 3 दिन में नहीं होती है तो पूरे इंदौर शहर के ऑटो, स्कूली वैन टाटा मैजिक ये नहीं चलेगी। ऑटो चालक एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें हमारा कांस्टेबल हाईकोर्ट चौराहे पे जो ड्यूटी पे था, रंजीत के मारपीट के संबंध में था, उस संबंध में मारपीट नहीं करने के संबंध में इन्हें यहाँ पे शिकायत करने आए थे। उस वीडियो के आधार पर हमने उनको आश्वस्त किया कि हम उसको जांच कराएंगे, किन परिस्थितियों में इस तरह की घटना हुई है, क्या कारण रहा कि इस तरह मारपीट करने की स्थिति निर्मित हुई है, उस संबंध में हम जांच कराएंगे और जाँच करके 3 दिन में हम रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को देंगे, यह हमने आश्वासन दिया।